बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब यहाँ मैंने बनाई है दाल मूंग और मसूर की। चलें इसकी रेसिपी आपको शेयर करते हैं, कितनी मज़ेदार वाली दाल ये बनकर तैयार हो गई है। ठीक है जी, तो बहुत मेहनत से मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट्स भी कर दिया करें। ठीक है जी, चले दाल बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का, रब्बुल आलमीन का। तो आज नौरीन क्या बना रही है जी? आज नौरीन ने जो क्या बनाना है, आज मेरा जो ना कुछ मूड नहीं था बनाने के लिए, लेकिन सोचा चलो एक ना अच्छी सी मज़ेदार वाली दाल बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। आपके घर में हर चीज़ मौजूद होती है, सारे मसाले वसाले, और वो है मूंग और मसूर की दाल, उससे बनाएंगे। पतीली मैंने यहाँ पर रख दी है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सोना सा पैसा कमाज भी कर दिया करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर चलो पतीली रख दी है, और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी, ये आ गया एक अदद टमाटर। ठीक है, और क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी, यहाँ पर जो ना दाल है जो ये है हरी और पीली, मूंग और मसूर की। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, पिसा हुआ धनिया, और यहाँ पर आ गया जी आपकी हल्दी और कुटी मिर्च, पीसी हुई मिर्चें, और मज़ेदार से किस्म का हम लोगों ने बनाना है आज खाना। आज बनेगी दाल और साथ में चोपड़े की रोटियाँ, मतलब के एक घी वाली रोटी आती है ना, वो मैं बनाऊँगी। ठीक है, और डोई मैंने इस पर रख दी थी और वो हो गई है गर्म। ठीक है जी, तो चले जी बनाते हैं। फिर हमने पहले क्या करना है जी, ऐड करना है पानी को, इतना रखा नहीं ये जी पानी चला गया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मैंने ना पतीली क्यों रख देती हूँ कि ना एकदम से गैस चली जाती है, और ये बड़ा मसला चल रहा है हमारे तो कराची में ना, यकीन नहीं करे, कभी लाइट नहीं होती, कभी गैस नहीं होती। अगर पहली बात तो ये है कि बारिश थोड़ी सी थम गई है, अब बारिश नहीं हो रही, 3 दिन हो गए बारिश को। ठीक है जी, एक अदद मैंने यहाँ पर डाल दिया टमाटर। अच्छा, यहाँ पर जो ना कुछ मसाले हैं वो मैंने इसमें ऐड करूँगी। ये जी हल्दी, ये आ गई कुटी हुई पीसी हुई मिर्चें, और ये पिसा हुआ धनिया, जो भी जैसे भी अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ना आ गया ये नमक, और ये कहाँ गया था लहसुन, हाँ ये आ गया इसका स्पून, क्योंकि स्पून नहीं था इसमें तो मैंने ये चम्मच जी आ गया, ये इसमें ऐड कर दे। ठीक है जी, और आज तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था ये दाल खाने के लिए, क्योंकि साथ में चोपड़ियाँ रोटियाँ होंगी तो ऐसी खावांगे। ठीक है जी, और मौसम बहुत अच्छा है जी कराची का, गर्मी ख़त्म हो चुकी है, और मेरे ख्याल में ना बारिश की आमद है, और बारिश कह रही हूँ सर्दी की, क्योंकि आज जो ना मैंने बहुत सारे काम किए थे। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फ्रिज जो ना, अभी देखो मैंने फ्रिज लगाया हुआ अपना, ये सब चीज़ें जो ना मैंने खोल के रख दी है, अभी सारी बर्फ़ जो गिर रही है बार बार, इसलिए मैं जो ना थोड़ी सी परेशान हूँ, और मैं ना खाना भी बना रही हूँ साथ में, अपने घर के काम भी कर रही हूँ। आपको पता है डबल डबल काम मेरे हो जाते हैं, तो अभी रेसिपी भी मैंने तैयार करनी थी, मैंने कहा चलो सबसे पहले रेसिपी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने दाल ऐड कर दी है। ठीक है, इसको दोई के साथ हमने चला चला लेना है। ये जी चली गई, अब हमने क्या करना है, ये टमाटर ऐसे रहने देंगे क्योंकि मेल्ट हो जाता है ये, तो खुद ही ये इसमें पक जाएगा। ठीक है, चले जी इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, कम से कम 20 मिनट के लिए पकेगी दाल, फिर तड़का लगाएंगे। ठीक है जनाब, यहाँ पर जो ना दाल बन चुकी है। ठीक है, इसमें मैंने क्या ऐड किया, अभी गरम मसाला ऐड कर दिया, और जो टमाटर थे ये भी देखो टमाटर नज़र नहीं आ रहा, अब इसमें ये जो टमाटर है ना इसको मैं इस तरह से पीस लूँगी, और देखें ये भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। गरम मसाला ज़रूर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी दाल बन जाएगी। अच्छा ठीक है ना, तो इसको हल्की आँच पर मैंने रख दिया है दूसरे चूल्हे पर, और इस चूल्हे पर जो है ना अभी मैं लगाने वाली हूँ तड़का। देख रहे हैं आप लोग कितनी अच्छी दाल बन चुकी है माशाल्लाह, और थोड़ा सा टमाटर जो रख गया था ना, तो इसको मैंने पीस लेना इस तरीके से, और चलाई जी और गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है तड़के के लिए जो है ना। यहाँ पर आ जाइए, मैंने फ्राई पैन पे रख दिया है। ठीक है, ऑयल अगर आपके घर पे घी है तो वो भी बेटर है, जैसे आपका दिल करे वैसे इसको इंजॉय करके खाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना हमने ये लहसुन की कुछ तुरियाँ थी ये हमने डाल दी है इसके अंदर। ठीक है, और थोड़ा सा चूल्हा मैं कर देती हूँ तेज़, और यहाँ साबुत मिर्चें हैं। ठीक है, और ये है जी ज़ीरा, ज़ीरे के बगैर तो आपको पता है दाल बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, और तड़का छड़का जो ना ये बड़े ज़बरदस्त किस्म का लगता है। ठीक है जी, तो चलिए फिर हो जाएगी वीडियो लंबी, और मैं नहीं चाहती आप हो जाएं बोर। ठीक है जी, जब तक मैं ना ये
तड़का अपना लगाती हूँ, आप और लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पर जो ना आप देखें, अब जीरा ऐड कर देते हैं, क्या जबरदस्त सा तड़का आपका हो जाएगा तैयार। यहाँ पर जी ये कुछ मिर्चें हैं, ये ऐड कर दूंगी इसके अंदर, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और चमचे के साथ जो ना इसको हमने हिला धुला देना, आके एक तरफ से ये हो जाए दूसरी तरफ से ये होगा इस तरह से आपने चमचे के साथ, ताकि ये ब्राउन सा कलर आ जाए इसका प्यारा सा। ये तड़का बड़ा ज़बरदस्त सा लगता है इसमें दाल में, तभी दाल अच्छी लगती है। ठीक है, आप चूल्हे को मैं कर देती हूँ बंद, ठीक है जी, क्योंकि फ्राई पैन में ना ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ है और गर्म हो चुका है बहुत ज़्यादा ऑयल। ठीक है, यहाँ देखें ये जी बन गया। ठीक है, अब इसमें फिर ऐड कर देंगे दाल के अंदर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का, रब्बिल आलमीन का। तो यहाँ देखें जी दाल हमारी हो चुकी है तैयार माशाल्लाह से, और तड़का छड़का भी मैंने लगा दिया, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो आप भी अपने घर में ऐसी ही दाल बनाएं और मज़ेदार सा खाना खाएं। हल्की फुल्की गिज़ा अच्छी लगती है ऐसे मौसम में, क्योंकि गर्मी हो रही है और इस वजह से मैंने जो ना आज दाल बनाई है। ठीक है जी, तो बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाना नहीं आप लोगों ने, मेरी वीडियो जो ना पूरी वॉच करनी है आप लोगों ने, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज मैंने दाल की रेसिपी आप लोगों को बताई है, और शेयर भी कर दिया करें मेरी वीडियो। ठीक है जी, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है जी, कल क्या बनेगा कल वो तो मैं कल ही बताऊँगी आपको। ठीक है जी, तो अपना जो आपके घर में बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, तो सबका ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, तो मेरी मुझे दुआ में याद रखिएगा, बस इतना सा काम करना है आप लोगों ने, और मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है। ठीक है जी,